नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज शुभ सकाल शुभोदय कार्यक्रम आपण मान समस्त मु आचार्य किशोर चंद्र डिगाल बहुत बहुत स्वागत जनाए। आशा करे आपण माने भल अछंति। आज सकाळ आपण समस्त शुभकर हो, या ईश्वर निकट प्रार्थना अटे। प्रिय दर्शक बंधु, गत किछि दिन हला आमन को भारत देश रे एवं विदेश रे मध्य बहुत चर्चित गोटे बॉलीवुड रे सिनेमा विषय रे आपण माने होत सुनि थिबे। आउ से सिनेमा जहार नाम जवान हुए तो कई के आपण माने मध्य देखि थिबे। मु तो सिनेमा देखे नाही, देखिबार सुयोग भी पाए नाही। तबे सोशल मीडिया रे गोटे डायलॉग, शाहरुख खान कर गोटे डायलॉग बहुत चर्चा रे रहिला, कारण तांको जीवन सहित संपृक्त किछि घटना से डायलॉग रे मध्य झलसि उठुतिला। 2022 मसीहा नवंबर डिसेंबर मास रे सिनेमा एक्टर शाहरुख खान कर पुओ को नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो रो जने अधिकारी ताकु बंदी करी नेले एवं ताकु किछि दिन जेल रे रहबा को पड़िला। सेते बेले एक्टर शाहरुख खान ताको पाखरे अजस्र टंका अछि, पैसा अछि, बहुत चेष्टा करबी नि जे पुओ को से सहाय्य करी पारु नथिले। किछि समय पई से असहाय परी मने होथिले। आ किछि दिन पोरे ताको पुओ को बेल मिलिला आ से घर को फेरी आसिले। परवर्ती किछि दिन किछि मास पोरे पुनी घटना ए प्रकार बदले जे जे ऑफिसर तांको पुओं को जेरा करथिले, जेल भीतर रखथिले, तांकरि नारे करप्शन रे केस आसिला आ तांको जेल जिबा को पड़िला। अति रोचक गोटे घटना घटिला। तबे ए पृष्ठभूमि भितरे ए जवान फिल्म ए अल्प दिन हला रिलीज हेछि। ए फिल्म रिलीज हेबा पूर्वरु तार टीजर दुबई रे रिलीज हला बोली सोशल मीडिया रे बाहरिला। आर गोटे डायलॉग बहुत चर्चा को आसीगला, मीडिया रे मध्य चर्चा हला, सोशल मीडिया रे चर्चा हला, आपण माने मध्य सुनी थिबे। बहुत चर्चित गोटे डायलॉग, मते तो डायलॉग भले रे कहि आसे नै, तबे डायलॉग रे से जहाँ कहिथिले आपण माने हुए तो सुनी थिबे। से कहुथिले सिनेमा रे, बेटा को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। ओडिया रे कहिले पुओ को हाथ देबा आगुरु बापांक सहित कथा हो। बहुत चर्चा रे रहिला, लोक माने सीधा सळ कहिले जे एई घटना तांको पुओं को जेल जिबा दिनर घटना सहित संपर्क अछि। बहुत चर्चित हैला। आउ आपण माने सोशल मीडिया माध्यम रे जानिथिबे जे ई सिनेमा को बहुत लोक पसंद करबा को लागिले। एथिरे अनेक इश्यूज भी आसिला जहाँ कि लोक माने पसंद कले। आउ कोटी कोटी टंका एई सिनेमा बाबद को से माने अर्जन करि पारिले। तबे बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, एटा सुनिबा को तो गोटे थ्रिलर डायलॉग हे जाई छी, किंतु बाइबल रे ठीक तार विपरीत गोटे कथा अछि। बाइबल पवित्र शास्त्र पाठ करू करू एमिति गोटे अंश रे आसी पहुंची गली जोटी एई डायलॉग रो ठीक ओलटा गोटे डायलॉग सेठी लिखा जाए। आ ताकु यदि सरल भाषा रे कहिबी, पिता को प्राप्त हेबा पूर्वरु पुत्र को स्वीकार कर, बाप को मिलने से पहले बेटा को कबूल करो, बाप को मिलने से पहले बेटा को कबूल करो, पिता को प्राप्त हेबा पूर्वरु पुत्र को स्वीकार कर। अति रोचक विषय अटे। चलंतु पवित्र शास्त्र बाइबल से वाक्य को पढ़ी दिए, तबे आपण को मन रे सस्पेंस दूर हेबा, आपण को मध्य भल लागिबो। पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा जाए प्रथम जोहन 2 पर्व तार 23 पद लिखा जाए, जे पुत्र को नास्ती करे से पिता को प्राप्त होई नहीं, जे पुत्र को नास्ती करे से पिता को प्राप्त होई नहीं, जे पुत्र को स्वीकार करे से पिता को मध्य प्राप्त होई अछि। अति रोचक, जे पुत्र को स्वीकार करे से पिता को मध्य प्राप्त होई अछि। तबे आज रे शीर्षक पिता को प्राप्त हेबा पूर्वरु पुत्र को स्वीकार कर। प्रभुंकर पवित्र नाम रो गौरव हो। अति रोचक एक शीर्षक अटे, पिता
पुत्र आउ पवित्र आत्मा बोली पवित्र शास्त्र बाइबल रे ईश्वरंकर ज्ञान आमे माने प्राप्त होइथाउ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा यहांकु ही त्रित्व ईश्वर बोली कुहा जानते। तबे ईश्वर एक अटंती किंतु एठी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ताहंकर रूप अटे एवं ताहंकर व्यक्तित्व अटे। तबे पितांकु प्राप्त हेबा पई जे सर्वे सर्वा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्व अंतर्जामी पिता से एकमात्र सत्य ईश्वर अटंती ताहंकु जानिबा पई हेले ताहंकु पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु जानिबाकु पड़ी। बाकी रे लेखा जाए कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से अपनार एकमात्र अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरी जे के ताहंकु ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। पितांकु जानिबा पई हेले पुत्रंकु निकटकु आसीबाकु पड़िबो। सेतिपई प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे कहिले मु पथ सत्य ओ जीवन मो देइ न गले केही पितांकु निकटकु जाई पारे नाही। मो देइ न गले केही पितांकु निकटकु जाई पारे नाही। तबे पुत्रंकु स्वीकार कले ही पिता ईश्वरंकु प्राप्त होई पारिबा। प्रभुंकर पवित्र नामर गौरव हेउ। पवित्र शास्त्र बाइबल रे अनेक रोचक विषय लेखा जाए। गीत संगीता तार दुई पर्व रे गोटे सुंदर कथा लेखा जाए 11 आ 12 पद पढ़ुची ध्यान रे सुनिबे। लेखा अछि भय रे सदा प्रभुंकर सेवा कर ओ कंपित होई उल्लास कर पुत्रंकु चुंबन कर नहिले से क्रोध हेबे ओ तुम्हे माने पथरे विनष्ट हेबो कारण शीघ्र ताहांक क्रोध प्रज्वलित हेबो जेउ माने ताहांकर शरण नियंती से समस्ते धन्य। जेउ माने ताहांकर शरण नियंती से समस्ते धन्य। कहार शरण पुत्रंकर शरण। एटी पुत्र बोली कहिले प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु दर्शाए। से ईश्वरंक पुत्र अटंती से ईश्वरंक पुत्र अटंती। गालातीय 2 पर्वरे तार 20 पदरे गोटे सुंदर कथा लेखा जाए मु ख्रीष्टंक सहित क्रूसरे हत होइअछि मु आउ जीवित नुहे मात्र ख्रीष्ट मो ठारे जीवित अछन्ति। मु शरीरे थाई वर्तमान जो जीवन जापन करूअछि ता विश्वासरे अर्थात ईश्वरंक जेउ पुत्र ईश्वरंक जेउ पुत्र मते प्रेम करि मो निमन्ते आपणाकु उत्सर्ग कले किए प्रभु जीशु ताहांक ठारे विश्वास करि जापन करूअछि। प्रिय दर्शक बंधु ईश्वरंक पुत्र एकमात्र अद्वितीय पुत्र ताहांक नाम जीशु ख्रीष्ट से आपणकु आ मते प्रेम करि जगतकु आसिले आपणक पई मो पई से क्रूसरे आपणा प्राणकु बलिदान कले एवं पापर प्रायश्चित कले। ताहांक द्वारा आमे माने पाप क्षमा पाइअछु। ईश्वरंकु जानिबाकु ईश्वरंकर निकटवर्ती हेबाकु आमे माने योग्यता पाइअछु। तेणु पितांकर निकटवर्ती हेबा पई हेले पितांकु प्राप्त करिबा पई हेले पाइबा पई हेले पुत्रंकु स्वीकार करिबाकु पड़िबो। एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्भे तुम्भकु ओ तुम्भ प्रेरित जीशु ख्रीष्टंकु जानिबा ही अनंत जीवन अटे। प्रिय दर्शक बंधु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु आपण अस्वीकार करि पारिबे नाही। जदि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु अस्वीकार करिबे तबे आपण सत्य ईश्वरंकु पाई पारिबे नाही। जदि आपण सत्य ईश्वरंकु पाइबाकु चाहुचंती तबे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु स्वीकार करिबाकु पड़िबो। ताहांकु स्वीकार कले ताहांकु पाइले आमे जीवन पाइबा अनंत जीवन पाई पारिबा। पवित्र शास्त्र बाइबल रे लेखा जाय जे किछि लोक अछंती जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु विश्वास करंती नाही। बाकी लेखा अछि द्वितीय जोहन 7 पद कारण जो माने जीशु ख्रीष्ट देहवंत होई अवतीर्ण होई अछंती बोली अस्वीकार करंती एपरी अनेक प्रवंचक जगत रे बाहरी अछंती। जीशु ख्रीष्ट ईश्वरंक पुत्र देहवंत होई अवतीर्ण होई अछंती बोली अस्वीकार करंती एपरी अनेक प्रवंचक जगत रे बाहरी अछंती। एहि प्रकार लोके से प्रवंचक व ख्रिस्टारी एंटी क्राइस्ट एहि प्रकार लोक जो माने जीशु को स्वीकार करंति नाही। देखंतु वाक्य रे कोन लेखा अछि प्रथम जोहन 5 पर्व 5 पद जीशु ईश्वरंक पुत्र एहा जे विश्वास करे ताहा छडा आउ किए जगत को
जय करियाछि। जीशु ईश्वरक पुत्र एहा जे विश्वास करे ताहा छड़ा आउ किए जगत को जय करे। प्रभु नाम रो गौरव हे। जगत को जय करिबा पाई, शैतान को जय करिबा पाई, पाप को जय करिबा पाई हेले जीशु ख्रीष्ट ईश्वरक पुत्र बोली विश्वास करिबा को हेबो। निज हृदय रे ताहाकु प्रभु बोली स्वीकार करिबा को हेबो। आउरी वाक्य रे लिखा जाए जे पुत्र को पाई अछि से जीवन पाई अछि, जे ईश्वर को पुत्र को पाई नहीं से जीवन ही पाई नहीं। ईश्वर को पुत्र को जे पाई अछि से जीवन पाई अछि, जे ईश्वर को पुत्र को पाई नहीं से जीवन ही पाई नहीं। प्रिय दर्शक बंधु, पुत्र को स्वीकार कले पिता को पाई परिबा, अनंत जीवन पाई परिबा। आम देश रे तो गोटे कथा अछि संस्कृत भाषा रे, अपुत्रिके स्वर्गम नास्ति, अपुत्रिके स्वर्गम नास्ति। यार अर्थ पुत्र नथिले स्वर्ग जाई परिबे नै। केते सत्य, किंतु आम देश लोक भावुछन्ते आम घरे पुटिए जन्म हबा दरकार। घरे जदि पुटिए जन्म होइ नै ताले स्वर्ग जाई परिबे नै। तार अनेक कारण से दर्शाते कहती जदि घरे पुओ नहांती ताले मुखाग्नि किए देबो, मरीगले तांकर शवदाह कला बेले मुखाग्नि किए देबो। ये तार अर्थ नुहे अपुत्रिके स्वर्गम नास्ति, तार अर्थ पुत्रंक बिना स्वर्ग नाही। को पुत्र आपणक घरे जन्म हेबा पुत्र नुहे, जो पुत्र कहंती मु पथ सत्य ओ जीवन मो दे नगले के पितांक निकट को जाई पारिबो नै। स्वर्ग को जीवा पाइले सेही पुत्र ईश्वरंक पुत्र आमनक जीवन रे रहिबा आवश्यक। ताहंक बिना, सेही पुत्रंक बिना केही स्वर्ग को जाई पारिबे नै। प्रभुंक पवित्र नामर गौरव हे। पितांकु प्राप्त हेबा पूर्वरु पुत्रंकु स्वीकार करू। आजिर प्रभात रे प्रिय दर्शक बंधु, एक रोचक विषय अटे। आमने स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर को चिन्हिबा जानिबा पई हेले पुत्रंकु ग्रहण करिबा आवश्यक। प्रभु जीशु कहिले जे के मते ग्रहण करे से पितांकु ग्रहण करे, जे के मते देखियछि से पितांकु देखियछि, मु ओ पिता एक। जोन 14 पर्व 9 पद जीशु ताहांकु कहिले फिलिप एते काल मु तुम मानक सांगरे अछि आ तुमे कोन मते जानिलो नाही, जे मते दर्शन करियछि से पितांकु दर्शन करियछि। आम मानकु पितांकु दर्शन कराउंतु बोली तुमे किपरि कहुअछ। आ 10 पर्व 30 पद रे आ गोटे वाक्य रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहंती मु ओ पिता एक, मु ओ पिता एक। पितांकु प्राप्त हेबा पई हेले पुत्रंकु स्वीकार करिबाकु पड़िबो। बाप को मिलने से पहले बेटा को कबूल करो। आज प्रभातर प्रसंग रे, प्रभातर ध्यान रे प्रभु आम को अनुग्रह करंतु। वास्तव रे प्रिय दर्शक बंधु, प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिबा द्वारा आम अनंत जीवन पाऊ, पाप क्षमा पाऊ, ईश्वर को प्राप्त होई थाऊ एवं आम जीवन ईश्वर ठारे सुरक्षित हो पारे। आज आपण जीशु ख्रीष्ट को ईश्वर को पुत्र बोली निज हृदय रे स्वीकार करिबा पे प्रस्तुत के, ताहांकु निजर प्रभु बोली ग्रहण करिबा पे हृदय रे ताहांकु स्थान दिया पे प्रस्तुत के, आज प्रभात रे जीशु को प्रभु बोली स्वीकार करंतु। से ही ईश्वर को पुत्र या विश्वास करी ग्रहण करंतु। ईश्वर को आपण प्राप्त हेबे, आपण को जीवन धन्य हेबे। आसंतु प्रार्थना करिबा। पवित्र प्रेममय स्वर्गस्थ पिता, आमे तुम पवित्र नाम रो गौरव करूछु, धन्यवाद देउछु। तुम्हें आपण एकमात्र अद्वितीय पुत्र को आम मानक निमंत जगत को प्रेरण कल। हे प्रभु जीशु, तुम्हें ईश्वर को पुत्र, जीवंत ईश्वर को पुत्र, यह आम मैने स्वीकार करूछु एवं ग्रहण करूछु। तुम्हें आम मानक हृदय मध्य को आस, आमर पाप सब क्षमा कर। प्रभु तुम्हारी अनंत जीवन में आम मानक परिपूर्ण कर। आज कार्यक्रम देखुआ प्रत्येक प्रिय दर्शक बंधु को आशीर्वाद कर। तुम्हारी शांति विश्राम अनंत जीवन प्राप्त हुई तुम राज्य पाई प्रत्येक को योग्य कर। धन्यवाद देउछु, प्रार्थना सुनिल, कारण ये प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशुंकर पवित्र नाम रे मागिलु, आमेन। प्रिय दर्शक बंधु, आशा करू आज शुभोदय कार्यक्रम रे अंश ग्रहण करी आपण आशीर्वाद पाई अछंती। ईश्वर को वाक्य दे प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु। आज तो समय हेलाणी कार्यक्रम को एटी विराम देबा। मु आचार्य किशोर चंद्र डिगाल आज कार्यक्रम को एटी विराम देउची। पुनर्बार आगामी एपिसोड रे पुनर्बार साक्षात होतिबा। सेतेबेळ पर्यंत प्रभु आपण मानकर समस्तंकर सहवर्ती होंतु। समस्तंकु नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।